देखिए सेमीफाइनल के तो बहुत ही पास है, मतलब एक स्टेप इधर है, करेक्ट, वहां तक वो एक आपके लिए बहुत बड़ा मतलब पड़ाव है। आपको सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं ना, जीतो, फिर उसके बाद हम नेट रन रेट की बात करेंगे। जीतो तो सही ना, नेट रन रेट के पीछे जाएंगे तो पता लगा हार गए। तो अब क्या है, सबसे पहला पड़ाव सभी टीम्स का क्या है, पहले चार में आना, जो मुझे कोई चिंता लगी नहीं रही भारतीय टीम के लिए। अब आप वहां पहुंच गए, अब आप तीन पड़ाव, तीन सीढ़ियां चढ़ गए हैं, आपको छह सीढ़ियां और चढ़नी है। आपको छह सीढ़ियां किस तरीके से चढ़नी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपकी तीन बहुत टफ साइड्स आ रही हैं आपके सामने, जो इंग्लैंड आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है। अभी जुड़े, मैं फिर से बता दूं, मैं पूछ रहा हूं कि वर्ल्ड कप के कितने पास है हम और कितने दूर है हम, लेकिन मैंने पूछा है कितने पास है, तो चेतन जी ने कहा है मैचेस भले अभी भी छह हैं लेकिन हम सिर्फ एक कदम दूर हैं सेमीफाइनल से। सेमीफाइनल के हम पास हैं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत बड़ी सेमीफाइनल में तो हमें कोई चिंता नहीं रही। हेडलाइन, सेमीफाइनल से सिर्फ एक कदम दूर है। एक कदम आप दूर हो, आपने आप हरा दोगे। देखिए मैं किसी टीम का नाम नहीं लेना चाहता, आप हरा दोगे, आपको तीन मैचेस जीतने, आप आराम से छह में से तीन जीत जाओगे, खत्म, बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ भारतीय टीम को। लेकिन अब आप वो जो मैचेस है ना, इन छह अगले मैचेस में कॉन्फिडेंस कैसे बनाते हो सेमीफाइनल में पहुंच कर जीतने का। देखिए आप इतनी मेहनत करते हो, आप अनबीटन पहुंचते हो और सेमीफाइनल में क्या होता है, पटाखा बोल जाता है। ये साउथ अफ्रीका के साथ होता है, इंडिया के साथ भी हो रहा था पीछे से, तो हमें उसकी तैयारी करनी है। राइट, उसकी तैयारी बहुत जरूरी है कि हमें वो पड़ाव कैसे पार करना है। देखिए आज तो सारे तालियां बजा रहे हैं, 2022 में मैं भी ऑस्ट्रेलिया में था, आप भी ऑस्ट्रेलिया में थे, पाकिस्तान को हराया, सब तालियां बजा रहे हैं। एक गड़बड़ हुई, यही टीम फैंस के सामने खराब हो गई, मुझे समझ ही नहीं आई। बिल्कुल, मतलब कैसे हो सकता है कि एक मैच से टीम ही खराब होगी, मतलब वो ये फैंस है, मतलब जीत ही जीत चाहिए, तो उसकी हमें तैयारी करनी है। बिल्कुल, क्योंकि ना चेतन जी बायलैटरल सीरीज में आप जीत जाओ।